दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन 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 ये इतना आसान भी नहीं है। उससे पहले अगर आप नए हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनीज के शेयर को ख़रीदा या बेचा जाता है। अब वो कैसे किया जाता है और इससे फ़ायदा क्या होता है, इसमें बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं जहाँ पे हम उसके शेयर खरीद सकते हैं और उसके कुछ प्रतिशत के मालिक बन सकते हैं और साथ ही फ़ायदा कमा सकते हैं। अब फ़ायदा कैसे होगा, अगर कंपनीज को फ़ायदा होती है जिस पर आप पैसे लगाए हैं, जितना शेयर खरीदे हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा, और अगर कंपनीज को घाटा होती है जिसके शेयर आप खरीदे हैं तो आपको भी घाटा होगा। अब अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई बिज़नेस चालू करते हैं और दो पार्टनर मिलकर उस पर आधा आधा पैसा लगाते हैं और वो बिज़नेस आपका चलता है, फ़ायदा होता है, तो दोनों को 50-50 प्रतिशत का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर घाटा होता है तो दोनों को बराबर का घाटा होगा। लेकिन वहीं पे अगर तीन लोग मिलके अगर चलाते हैं, किसी का 20% लगा हुआ है, किसी का 40% लगा हुआ है और दूसरे का भी 40% लगा हुआ है, तो इस तरह से है। तो अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो जो 20% लगाया है उसको 20% का फ़ायदा होगा और जिसने 40-40 का लगाया है उसको 40% का फ़ायदा होगा। तो इसी हिसाब से अगर एक एग्ज़ाम्पल देखें, मान लो जाए 20 रुपये का एक शेयर है, जैसे कि अभी आइडिया का कुछ चल रहा है 10-20 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर 20 रुपये का एक शेयर है आप ख़रीद लेते हैं और उसका रेट जो है कुछ महीनों में, या अगर आप इंट्राडे करते हैं तो कुछ समय का भी होता है, लॉन्ग टर्म का भी होता है। अगर कुछ समय के बाद मान लो जाए 6 महीने के बाद उस अगर 20 रुपये से बढ़ के 200 हो जाता है और आपने 10 शेयर खरीदे थे, 20 रुपये के हिसाब से 10 शेयर आपने 200 के ख़रीदे हैं और एक ही शेयर का कीमत 200 रुपये हो गया, तो 10 शेयर का कितना हो जाएगा, लगभग 2000 रुपये। तो आप इस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं उससे। लेकिन आपको इसमें सीखना होगा, और अगर आपको नहीं पता है, नए हैं, तो ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी ना लगाएं, पहले सीखें और थोड़े बहुत पैसे जो कम शेयर वाले हैं उस पर लगाए। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है आप 2000, 10000, 20000 लगाने में, और अगर वो लॉस भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो बिल्कुल भी ना लगाएं, पहले सीख लीजिए और सीखने के बाद लगाएं। पहले कंपनी के बारे में डिटेल पता कर लें कि उनका टर्नओवर कितना है ईयरली, और अगर उसमें लगाते हैं पैसे तो ईयरली रिटर्न्स कितना है, मंथली रिटर्न क्या है, और इंट्राडे में अगर आप लगाते हैं, एक ही दिन का लगाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लगाते, शॉर्ट टर्म के लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है। तो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाएं। ज़्यादातर मैं लगाता हूँ जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लगाता हूँ। वैसे मैंने भी नया नया स्टार्ट किया हुआ है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, इसलिए अगर आप भी नए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ग्रो करें और सोच समझ कर इसमें पैसे लगाएं। पैसे तो हैं लेकिन इसमें आपको खिलाड़ी बनना पड़ेगा। अगर आप सीख गए हैं तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। वैसे आपने स्कैम 1992 तो देखा ही होगा, जिसमें कितने हजारों करोड़ उसने कमाए थे, और वो बंदा जो था हर्षद मेहता वो भी रायपुर से ही पढ़ा हुआ था, हॉली क्रॉस बैरन बाजार से। तो अगर आपने स्कैम 1992 नहीं देखा है जिसमें 5000 करोड़ का स्कैम हुआ था हर्षद मेहता के द्वारा, तो वो मूवी देख सकते हैं, अब थोड़ा वो सीख जाएंगे। और स्टॉक मार्केट में दो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि काफ़ी पुराना है। तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है वो पैसे लगा सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आपकी चॉइस है कि आप BSE भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप शेयर खरीद सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा एनालिसिस करके नहीं बताऊँगा, आप एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल देख सकते हैं, कंपनी के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे जो है वेबसाइट वगैरह भी है, और इसके लिए बहुत सारे चैनल्स भी हैं। अगर आप TV वगैरह में देखना चाहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखना चाहते हैं, NDTV का फाइनेंशियल, या CNBC वगैरह देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे नॉलेज आप वहाँ से भी ले सकते हैं। पहले नॉलेज गेन करिए, उसके बाद पैसे लगा सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप शेयर खरीद सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला काम आपको जीरोधा में अकाउंट खोलना होगा, डीमैट अकाउंट। वैसे आप अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग में भी खोल सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जितनी भी कंपनियाँ हैं वहाँ को, और लिस्ट भी कर सकते हैं।
आप सेव करके रख सकते हैं, ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए IRCTC में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप मार्केट डेप देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए अगर बाई में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। प्राइस क्या है इसका 3,624 रुपये, और यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं टेक्निकल, जैसे SL SLM। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ समझाने वाला हूँ, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, मार्केट क्या है, साथ में आपको रेगुलर के अलावा कवर और AMO में आप किसी में से एक में खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रेगुलर में करेंगे, रेगुलर लेकर इसमें अपन बाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे अगर चार्ट वगैरह देखना चाहते हैं और एनालिसिस करना चाहते हैं आप अलग अलग मंथ का, तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो आप बाई नहीं कर सकते, मैंने बाई करने की कोशिश किया था। उसके अलावा सबसे पहले आपको अगर शेयर खरीदना है तो सबसे पहले एड फंड में जाना होगा, फंड्स के अंदर है एड फंड्स, यहाँ पे जाकर आप अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं जीरोधा के अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट जितना भी डालना है आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो UPI सेलेक्ट कर सकते हैं या तो नेट बैंकिंग, जो भी सुविधा आपके पास है वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 500 रुपये ऐड किया था। देखिए आइडिया का मैं शेयर खरीद के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बाई का ऑप्शन मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस का दिया हुआ है। तो सबसे पहले बाई में जाएंगे, बाई में क्लिक करेंगे और जितना भी शेयर यहाँ पे खरीदना होगा वो खरीद लेंगे। तो यहाँ पे 10 रुपये 60 पैसे के हिसाब से इसका एक शेयर का प्राइस चल रहा है जिस टाइम मैंने खरीदा था। तो यहाँ पे मैं 10 शेयर यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली, बाकी एनालिसिस मैं बाद में बताऊँगा। 10 क्वांटिटी डाल देते हैं और यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो पहले से हमने फंड ऐड कर दिए हैं, तो देखिए ये कम हो गया, जो मार्जिन अवेलेबल था उसमें ये पैसे कम हो गए। तो इस तरह से हम लोग ये शेयर 10 शेयर बहुत ही आसानी से खरीद लिए हैं। उसके बाद आप देख सकेंगे कि किस तरह से शेयर बेच सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 10 शेयर खरीद लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के भाव जो है उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं आपको साइड में, और यहाँ से आप जो भी कंपनी सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं साइड में। यहाँ पे देखिए मेरा होल्डिंग्स दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप स्टेटमेंट वगैरह भी देख सकते हैं व्यू स्टेटमेंट करके। तो इस तरह से आप यहाँ पे नीचे जाके मार्केट ओवरव्यू भी कर सकते हैं कि किस तरह से इसका भाव जो है चढ़ रहा है कि कम हो रहा है, और यहाँ पे जाकर आप सेल कर सकते हैं जो भी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा एक जो क्वांटिटी है जो मैंने ख़रीदा है उसको सेल करके। अभी देखिए 10:55 चल रहा है, मैं सेल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये 2 दिन के अंदर मेरे अकाउंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक जो है शेयर वो सेल कर दिया है, तो वो भी बहुत आसानी से सेल हो गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से शेयर जो है वो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन आपको एनालिसिस करना सीखना होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ इस तरह के और एनालिसिस कैसे करते हैं, किस कंपनी पर पैसा लगाया जाए, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताएंगे। आपको अगर अकाउंट खोलना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप जीरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं, और आप चाहें तो अब स्टॉक्स या एंजल ब्रोकिंग में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने शिकायत या सुझाव जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। Tell me that you love me.